महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का लंबे समय तक दबदबा रहा, लेकिन आज उनकी पार्टी शिवसेना दो गुटों में बढ़ चुकी है और महाराष्ट्र की सत्ता हाथ से जाने के बाद उद्धव ठाकरे अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए हर दाव पे चाजमा रही है। इसलिए उन्होंने प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन कर लिया है। अब प्रकाश अंबेडकर से गठबंधन के बाद एनसीपी में साफ तौर पर नाराजगी दिखाई दे रही है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने आरोप लगाया है कि शिवसेना ने प्रकाश अंबेडकर के साथ गठबंधन करने से पहले महाविकास अघाड़ी के घटक दलों पर चर्चा नहीं की उनसे, और एनसीपी और कांग्रेस की नाराजगी के चलते शिवसेना और वंचित गठबंधन के सामने चुनाव में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। लेकिन वंचित बहुजन अघाड़ी का गठबंधन दिखाता है कि चुनावी समीकरण अक्सर विचारधारा से अधिक मायने रखते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। शिवसेना और वंचित गठबंधन से एनसीपी नाराज। गठबंधन के पहले शिवसेना ने घटक दलों से नहीं की चर्चा। क्या उद्धव ने घटक दलों को रखा अंधेरे में? उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना और भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की अध्यक्षता वाली वंचित बहुजन अघाड़ी ने चुनाव से पहले ही गठबंधन कर लिया है। इस गठबंधन को महाराष्ट्र में शिव शक्ति और भीम शक्ति गठबंधन कहा जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह गठबंधन वाकई महाराष्ट्र की सियासत में बड़े बदलाव लाएगा? क्या प्रकाश अंबेडकर के साथ आने से उद्धव ठाकरे की ताकत बढ़ेगी? क्योंकि उद्धव ठाकरे के फिलहाल पार्टी अध्यक्ष बने रहने पर ही संकट छाया हुआ है। इसी साल राज्य में बीएमसी चुनाव होने हैं, फिर अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है। अगर यह गठबंधन चुनाव में असर डालने में कामयाब होता है तो पार्टी को नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा। वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि वंचित बहुजन अघाड़ी से गठबंधन करके हमने राष्ट्रत्व को प्राथमिकता दी है। वहीं उद्धव कई बार कहा है कि हमसे हिंदुत्व है, राष्ट्रीयत्व है। नेताजी अनेकता पर बोल चुके हैं, मैं कोई नई बात नहीं करने जा रहा हूँ। अगर नई बात मैं करता तो बात अलग थी, लेकिन मैंने जो मेरे पिताजी ने कहा है वही बात मैं दोहराता हूँ और उसी राह पर हम चले गए। वहीं उद्धव ठाकरे से जुड़ने के बाद प्रकाश अंबेडकर के लिए नए गठबंधन का सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि अंबेडकर की पार्टी कांग्रेस एनसीपी को नुकसान पहुंचा चुकी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को करीब 10 निर्वाचन क्षेत्रों में 1,00,000 से ज्यादा वोट पड़े थे। तब प्रकाश अंबेडकर की पार्टी का गठबंधन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से हुआ था। यही नहीं, 2019 के विधानसभा चुनाव में भी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने कांग्रेस एनसीपी के वोट काटे थे, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ था। तभी एनसीपी और कांग्रेस ने प्रकाश अंबेडकर को पार्टी को बीजेपी की बी पार्टी बताया था कि हम लोग कह रहे थे कि हम उनके साथ आने के लिए तैयार है, और हम लोग की मांग ये थी 12 लोकसभा की सीटें हैं कि जो एनसीपी और कांग्रेस 5 बार हारी हुई है, जो जीती नहीं है। हम उनसे ये कह रहे थे कि भाई इन 12 सीटों में से आप हमसे शेयर कर दीजिए। कांग्रेस शेयर करने के लिए तैयार नहीं। अब वजह क्या है मैं आज नहीं बताना चाह रहा हूं। अब यह तो साफ हो चुका है कि ठाकरे और प्रकाश अंबेडकर के गठबंधन से कांग्रेस और एनसीपी खुश नहीं है, और सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे ने अंबेडकर से गठबंधन करने से पहले एनसीपी को अंधेरे में रखा। इस बारे में एनसीपी के नेता अजीत पवार ने नाराजगी जताई और उद्धव ठाकरे से मिलकर नए गठबंधन के बारे में जानकारी लेने की बात कही। फिर बाद में साहब को भी हमने बताया कि हम आज उद्धव ठाकरे साहब को हमने फोन किया, मैंने और जयंत पाटिल साहब ने, और उन्होंने आज रात का टाइम दिया है, और जाने के बाद उनके और प्रकाश अंबेडकर साहब की जो कल या परसों युति डिक्लेयर हुई उसके बारे में हमें मालूमत करके लेनी है। फिर आने वाले बाई इलेक्शन दो है, कस्बा और चिंचवट, उसके बारे में भी बात करनी है। फिर MLC का चुनाव चालू है 5 जगह का, उसके बारे में भी क्या क्या है, कैसा कैसा है, किसने ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वो भी चर्चा हम करेंगे। अजीत पवार के बयान से स्पष्ट है कि गठबंधन की घोषणा करते वक्त उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी में घटक दलों से चर्चा नहीं की। इससे साफ है कि प्रकाश अंबेडकर के लिए
अगला चुनाव आसान नहीं होगा। एनसीपी और कांग्रेस मिलकर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को हानि जरूर पहुंचाएंगे और 2019 के चुनाव का बदला लेंगे। कांग्रेस और एनसीपी की रणनीति देखते हुए अगले कोई भी चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए आसान नहीं होगा। माना जा रहा है कि अब उद्धव ठाकरे की पार्टी एक नए चक्रव्यूह में फंस गई है। महाराष्ट्र से मंगला वाघी की रिपोर्ट। महाराष्ट्र की सियासत कब किस करवट बदल जाए कहा नहीं जा सकता। उद्धव ठाकरे से एकनाथ शिंदे का साथ छूटा तो उन्होंने नया सियासी पार्टनर चुन लिया, लेकिन सवाल है कि क्या उद्धव के नए सियासी पार्टनर प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र का सियासी गणित बदल पाएंगे। हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।